नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने RTI के पिछले वीडियो में RTI की धारा 81J के बारे में बताया था। इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से परिव्यक्ति सूचना को देने से रोका जाता है जन सूचना अधिकारियों के द्वारा। मेरे इस वीडियो पर मेरे एक सब्सक्राइबर श्री अमित कुमार खटकर जी ने मुझसे पूछा कि इसका विकल्प बताइए, क्योंकि RTI 81J का दुरुपयोग हो रहा है। तो उनकी इस कमेंट से मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मैंने अपने स्तर पे काफ़ी जानकारियाँ खोजी, काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ सुना समझा, और इतने के बाद मैं जो कुछ जान पाया हूँ उसको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। भारतीय अधिनियम 776 के तहत भी हम सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले सकते हैं, और यह बात नमित शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें RTI की झलक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में मिलती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस धारा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम सरकारी कार्यालय से कोई डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको शुल्क चुकाना होगा, जो 5 से 10 रुपये प्रति पेज की प्रतिलिपि के लिए होता है। हो सकता है कुछ राज्यों में थोड़ा कम ज़्यादा भी हो, और इसके लिए आप उस कार्यालय में आवेदन करेंगे, उसमें इस बात का उल्लेख करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत हमें फला डॉक्यूमेंट या फला पेज की प्रतिलिपि चाहिए या पूरे फाइल की प्रतिलिपि चाहिए, और आवेदन शुल्क चुकाएंगे। और इसके लिए आपको 7 दिन का समय देना होता है। RTI में जहां आप जब सूचनार्थ आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको 30 दिन का समय देना होता है, और यहां पे आपको 7 दिन का समय देना है आवेदन प्राप्त होने के बाद। जिस कार्यालय में आपने आवेदन भेजा है वहाँ पे कार्यालय में जब आपका आवेदन प्राप्त हो जाता है, रिसीव हो जाता है, तो उसके 7 दिन तक आप इंतज़ार करें। और फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। लीगल नोटिस कोई भी व्यक्ति खुद भी लिख कर दे सकता है, और वकील के माध्यम से भी लीगल नोटिस दिया जाता है। और लीगल नोटिस दिए जाने के बाद आपको 14 दिन तक इंतज़ार करना है, और अगर फिर भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिडिसल कमीशन में आवेदन कर सकते हैं, और फिर आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। और जहां तक मेरा अपना मानना है, भारतीय अधिनियम 776 के तहत अगर आप डॉक्यूमेंट लेने के लिए प्रयास करते हैं तो आपको कम समय में, कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सकती है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरा जो अपना अनुभव रहा है अभी तक RTI में, उसे मैंने यही पाया है कि कम से कम 1.5 साल लग जाता है सूचना आयोग में मैटर को स्टैंड करने में, और शायद ही कम से कम मुझे तो किसी सूचना अधिकारी ने 30 दिनों के अंदर सूचनाएं नहीं दी। और 45 दिन का समय आपको देना होता है प्रथम अपीलीय अधिकारी को, और प्रथम अपील के बाद भी आपको सूचनाएँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं ये आप बेहतर जानते हैं। और अंत में मुझे आपसे कहना है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।